के चार नंबर का निम्नलिखित फलों के उच्चतम और निम्नतम मान निकालें यदि कोई है तो। चलिए पहला देखिए क्वेश्चन, यहाँ देखिए जितने भी फंक्शन दिए गए हैं एक्चुअल में ये अवकलनीय फलन नहीं है, तो मैंने बता रखा है कि अगर फलन अवकलनीय नहीं हो तब भी उसका हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन अवकलनीय नहीं होगा तो अवकलज तो होगा नहीं, जाहिर सी बात है, यानी कि यहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी अप्लाई नहीं होगा, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि ये अवकलनीय फलन है ही नहीं, तब कैसे बनाएंगे भैया, यही बड़ी समस्या है। समझिए यहाँ पे आप एक चीज बताओ, मैं यहाँ कहूँ कि मोड एक्स का वैल्यू हमेशा जीरो के बराबर होता है या जीरो से बड़ा होता है, यानी कि मोड एक्स का वैल्यू क्या होता है, हमेशा जीरो से बड़ा होता है या जीरो के बराबर होता है, हमेशा कुछ भी रखो एक्स से ज्यादा कुछ भी रखो, ये हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा, यानी जीरो आएगा या जीरो से बड़ा आएगा, है ना। अब यहाँ क्या करेंगे, दोनों तरफ इसी कंसेप्ट से बनेगा, दोनों तरफ यहाँ देखो इसके अकॉर्डिंग तीन जोड़ने पर तो यहाँ हो जाएगा थ्री प्लस मोड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ जीरो में थ्री जुड़ेगा थ्री, यानी कि यहाँ क्या कह रहा है कि एफ एक्स थ्री प्लस मोड एक्स एफ एक्स है ना, एफ एक्स का वैल्यू तीन होगा या तीन से बड़ा होगा, तीन से छोटा नहीं हो सकता है, यानी कि सबसे छोटा यही होगा, इससे अब कोई छोटा नहीं हो सकता, ये न्यूनतम ना होगा, यानी एफ एक्स का वैल्यू हमेशा तीन होगा या तीन से बड़ा होगा, तीन से छोटा नहीं हो सकता, यानी कि ये मिनिमम वैल्यू हो गया, तो यही आपका हो जाएगा मिनिमम वैल्यू क्या होगा, थ्री। अच्छा अगर आपसे पूछता कि इसका पॉइंट ऑफ मिनिमा क्या है, तो अच्छा आप ऐसे ही सोचो ना, यहाँ किस पे ये थ्री आएगा, जीरो रखने पे ना, तो लिखेंगे एट एक्स बराबर जीरो, मिनिमम वैल्यू कितना होगा, थ्री होगा, और किस पर होगा, एक्स बराबर जीरो पर, देख रहे ना, इसमें जीरो रखने पे ये थ्री आ जाएगा। चलिए दूसरा देखो।